टैकस सिस्टम खत्म करके फॉरन डीपीसीज कर दी जाए, सर्विस स्ट्रक्चर को दोबारा जो हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं इसी तरह किया जाए, और कंट्रैक्ट डॉक्टर और स्पेस डॉक्टरों की रेगुलराइजेशन हो। ये मसाइल दर्जवाला मसाइल हमारे 10-15 दिन में हल ना हुए तो हम जीपी बर में हड़ताल करने पे मजबूर होंगे। फुट कंस्टेबल अपने ड्यूरेशन ऑफ सर्विस करते करते एस पी रिटायर होते हैं। इस तरह एक कलर्क डीएस बनते हैं, सेक्रेटरी तक गए हैं, पटवारी सेक्रेटरी डीसी तक गया है, तो एक एमबीबीएस या बीडीएस डॉक्टर अपनी उसी फील्ड में आगे क्यों नहीं जा सकता? इस गवर्नमेंट के कान नहीं है, सुनती नहीं है। पेंडिंग डीपीसी 2022 से अभी तक कोई डीपीसी नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई इसका भी बैकग्राउंड बता दूंगा। एक पॉइंट पेंडिंग डीपीसी का है, और जो रिसेंटली एक सर्विस स्ट्रक्चर नीचे से मंजूर होकर आया जिसमें हमारे जीडीएमओ और डेंटल ऑफिसरों के ऊपर एक लेवल 1 लेवल 2 करके जो टीचिंग हॉस्पिटल के कैडर थे वो इनके ऊपर अप्लाई हो गए, इसके बारे में भी मैं तफसील से बता दूंगा। तीसरा पॉइंट हमारा कंट्रैक्ट डॉक्टर रेगुलराइजेशन है, जिसमें एसपीएससी केएल वाले भी थे रेगुलर और कंट्रैक्ट डॉक्टर भी थे। इन सबको सीएम ने वादे किया था पिछले प्रोग्राम में, आप सब वहां पर मौजूद थे, तो ये बेचारों के काफी अरसे से ये मसला चल रहा है। तो इस पर सबसे पहले मैं आता हूँ, डीपीसी जो बैकग्राउंड है इसका यही है। 2007 में काफ लीग की हुकूमत थी, ताहिर इकबाल के दौर में हमें एक पैकेज दिया गवर्नमेंट वक्त ने, क्योंकि डॉक्टरों यहाँ 17 में लगते थे 18 में रिटायर्ड हो जाते थे, तो उन्होंने बड़ी जदोजहद के बाद एक पैकेज हमें मिला 3-4 tier रूल के हवाले से, जिसमें हम 48% डॉक्टर, 50% बाय डिपार्टमेंटल प्रमोशन, 50% डायरेक्ट कोटे के साथ 18 में आते हैं, वहां से ऊपर 48% 17 में जाते हैं, 17% 17 में जाते हैं और 8% 20 में जाते हैं। ये रूल 2007 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से वेट होके आ गया, इस पे हमारे लोग प्रमोशंस लेते रहे। ये 4-5-10 डीपीसियां हो गई, लोग 20 ग्रेड में गए और रिटायर भी हो गए। इस तरह लास्ट 2002 में एक हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने एक क्यूरी लगा दिया, जब 20 ग्रेड की प्रमोशन ऊपर गई तो उसने कहा इसके लिए कंकरेंस की जरूरत होती है। कंकरेंस के हवाले से मैं आपको बता दूं, कंकरेंस की वहां जरूरत होती है जो पोस्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पहले से मौजूद नहीं है। एक नई पोस्ट आप 20 ग्रेड की क्रिएट कर रहे हैं या 19 की क्रिएट कर रहे हैं, नई क्रिएशन है या अपग्रेडेशन है, तो वो कंकरेंस के लिए जाती है। ये 2007 में पास प्रैक्टिस रही है, पहले से लोग प्रमोट भी हो गए, आगे भी गए, प्रमोशंस लेते रहे। 2007 में ये वेट होके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से आए हुए रूल के ऊपर एक सेक्रेटरी ने क्वेरी लगा के कंकरेंस के लिए भेज दिया। ये ग्रीवेंस लेके हम खालिद खुर्शीद सीएम था उसके पास गए, वहां लोकल दो सेक्रेटरी भी बैठे, उस सेक्रेटरी को भी बुला के काफी उनके अंदर बातचीत होती रही, लेकिन वो फाइनेंस सेक्रेटरी को दूसरे सेक्रेटरी ने कहा ये अप्रूव्ड रूल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, न इसमें कंकरेंस बनती है। इसके बावजूद उन्होंने भेज दिया। 2-3 मुलाकातें हमें हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर से रही, वो कोई खातिर खवा इस पे अमल नहीं हो सका। फिर नया सीएम आ गया, इंडिविजुअल भी मुलाकातें होते रही हैं, पिछले वाइडिया के प्रोग्राम में भी हमने ये चीज बावर करा ली, और नया जो चीफ सेक्रेटरी आया है इससे भी हमारी 5-6 मुलाकातें हो गई, जिसमें हमने बार बार डीपीसी का बताया, कंकरेंस का बताया, ये नहीं हो रही। ये 2007 का अप्रूव्ड रूल को चेंज कर रहे हैं, जबकि उस जमाने में ये रूल बना था, 52 हमारे स्पेशलिस्ट कैडर के डॉक्टर थे और 230 हमारे जनरल कैडर के डॉक्टर थे, जिसमें डेंटल और जीडीएमओस दोनों थे। उस जमाने का ये इसको अपग्रेड करके परसेंटेज बढ़ाने के बजाय जो पहले से अप्रूव्ड परसेंटेज है उसको नहीं दे के 3 साल से सफर करवा रहे हैं। बहुत सारे हमारे डॉक्टर 19 में रिटायर चले गए, बहुत सारे जीडीएमओस हमारे रिटायर चले गए। अब ये जो डीपीसी है इसमें अगर 9 डॉक्टर आगे 19 में जाते हैं, 10 आगे जाते हैं, तो उसी रेशियो से डबल होके 19 में आते हैं, उसी रेशियो से 18 में आते हैं, उसी रेशियो से 17 से 18 में आगे 17 की पोस्ट खाली होती है, 12 से इंडक्ट होते हैं। तो 20 से लेके 17 तक हमारे सारे डॉक्टरों की प्रमोशंस को रोक दिया गया, नई नई इंडक्शन आती है ना, बाहर से कोई आ जाता है। तो लिहाजा ये डीपीसी के हवाले से था, हमने हर दरवाजा खटखटाया, हर बार इस बात को लेके आगे गए, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो गई। तो आखिरी हमने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए, ये सबसे बड़ा फोरम है, आप लोग आगे तक इस बात को पहुंचाते हैं और हमें उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे, इसको आगे पहुंचाना होगा। तीसरी चीज, 2024 में एक नया सर्विस स्ट्रक्चर बन के आ गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर जीडीएमओ और डेंटल ऑफिसर्स, बीडीएस और
MBBS करके अपने मतलूबा सर्विस रिक्वायरमेंट 5 साल 10 साल जितनी भी उनकी होती है अपने सीनियरिटी बेस पे, ये भी इसी 4-tier रूल के तहत प्रमोशन होती है। इनके ऊपर ये कह के कदगन लगाया गया कि ये Level 1 Level 2 यानी कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेंगे तो तब इनकी प्रमोशन होगी। मेरा हमारा ये कहना है अगर ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेते हैं तो ये स्पेशलिस्ट बन जाते हैं या GDMO कैडर में उसमें एडमिन कैडर में चले जाते हैं डिप्लोमा करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके। ये बेचारे MO तो इसलिए रहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं होता, सिंपल MBBS होता है। इसके ऊपर ये कदगन लगा के ले तो लाल से काम ले रहे हैं। पिछले 2-4 हफ्तों से हम चल रहे हैं इस पर, कोई खातिर खवा काम नहीं हो रहा है। थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी आगे कोई प्रोसीड नहीं करते, इसको वहीं ही रह जाती है। तो ये फौरन जो इसके ऊपर कदगन लगी है इसको खत्म किया जाए। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे FCPS करके डॉक्टर्स आते हैं, इनको जो डायरेक्ट आता है वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट 18 में आ जाता है। जो डिपार्टमेंट में काम करने वाला बेचारा होता है उसको कहते हैं आप 5 साल पूरे करके जाओ। तो हम ये कहते हैं जनाब अली, ये ड्यूरेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट जो FCPS करके आते हैं इनके लिए साल दो साल जो भी है पूरे पाकिस्तान में जो है वो हमारे ऊपर भी अप्लाई हो, ना कि 5 साल और 7 साल रख के इनकी प्रमोशन रोक दी जाती है। और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं, ये जो GDMO और डेंटल ऑफिसर्स हैं इसमें आपको पता है कि ऊपर कोई शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम आपके वसातत से हुकूमत वक्त से मुतालिबा करते हैं कि ये सर्विस स्ट्रक्चर को फौरन रेक्टिफाई करके यहाँ के डॉक्टरों के मुताबिक, और हर वक्त हम जो भी डिमांड लेके जाते हैं तो कहते हैं हमें नीचे की एनालॉजी ले आओ। जब ये सुबह बन गया है पैसों की बात आती है तो जी हमारे सूबे में हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है, हमारी किटी में इतना पैसा नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते, हमारा सूबा अलग है। जब सर्विस रूल और उसकी बात आती है तो दूसरे सूबों की एनालॉजी मांगने के बजाय हम अपनी नीड के मुताबिक अपनी एनालॉजी क्यों ना बनाएं, ताकि हमारी एनालॉजी वो हमसे देख के वो कर लें। हमारी नीड अलग है, उनकी नीड अलग है, वो वेल एस्टेब्लिश सूबे हैं, हमारा ये नौजायदा सूबा है, या हम अपनी नीड के मुताबिक हमारा सर्विस डिपार्टमेंट अपना सर्विस रूल को वो करता है कि हमारी प्रमोशन न रुके। और इसके साथ साथ ये जो DPCs जो मैंने, हाँ ये पॉइंट हो गया जी, कंट्रैक्ट डॉक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। आपको पता है पिछली दफा इतना बड़ा प्रोग्राम में भी CM साहब ने ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक कोई फाइल न बनी है न मुंह हुई है, सिर्फ ऐलान की हद तक रही है। हमारा ये डिमांड है फौरन अपने ऐलान के मुताबिक डॉक्टरों की फाइल को बना के कैबिनेट से असेंबली तक ले जाके ये एक्ट के जरिए इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। और इसका साथ ये भी है, इन्होंने पोस्टें सारी FPSC भेज दी है, तो ये एक्ट ला के FPSC से वेट करा के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर हैं या SPS डॉक्टर हैं वंस टाइम उनके लिए भी, ये इसलिए न तुम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भेजते हो पोस्ट को, न तुम लोग यहाँ इंडेक्ट करते हो 10-10 साल से 4-4 साल से लोग सर्विस करके इनकी एज आवर होती है। अभी एक ठेका सिस्टम शुरू हो गया, कभी शफा पैकेज कभी SPS, ठीक है नीड है लेते रहो, तो आप GDMO और डेंटल अफसरों की नई पोस्ट क्रिएट कर लें, न कि आप शफा से 5-5 लाख और SPS में जिनको लिया है बहुत अच्छा किया उनको एक दफा आप रेगुलर कर दें, अगले दफा ये प्रैक्टिस करने के बजाय न्यू पोस्ट क्रिएट कर लें, नए डॉक्टर इंडेक्ट कर लें। शफा के 3 डॉक्टर एक डॉक्टर के मुकाबले में हमारे पास 4 न्यू डॉक्टर इंडेक्ट हो सकते हैं। ये हैं हमारे जेन्युइन मेन मसाइल। ये